हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और अनदर न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एडवांस के लिए अप्लाई किए हैं आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत, और आप में से काफी पीएफ मेंबर्स का कमेंट ये है कि 2022 में इस टाइम आप आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत एडवांस के लिए अप्लाई किया है तो कितना दिन के अंदर आपका पीएफ का बैलेंस आपकी बैंक अकाउंट में आ जाते हैं या क्रेडिट हो जाते हैं। आप में से काफी पीएफ मेंबर्स का ये सवाल है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, एक सही जानकारी मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कब मैंने एडवांस के लिए अप्लाई किया हूँ, कब सेटल हुआ है और कब बैंक अकाउंट में बैलेंस आया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको पीएफ इन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में प्लीज फॉलो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको यूनिफाई पोर्टल पर ले जा करके दिखाते हैं। सो दोस्तों, एक यूएन नंबर के जरिए मैं यूनिफाई पोर्टल पर लॉग इन कर चुका हूँ। इस टाइम अगर आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लेम कितना दिन में सेटल होता है और कितना दिन में आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्लेम स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, थोड़ा सा स्लाइड डाउन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रैकिंग आईडी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको फॉर्म टाइप देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने फॉर्म नंबर 31 अप्लाई किया था। दोस्तों, मैंने कब अप्लाई किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबमिटेड एट पोर्टल मैंने किया था 26 जुलाई 2022, और सेंड टू फील्ड ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कब फील्ड ऑफिस में सेंड हुआ है, 27 जुलाई 2022 को 4:35 में फील्ड ऑफिस में सेंड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर करंट स्टेटस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टेटस में क्लेम सेटल्ड, तो यानी हमारा क्लेम जो है सेटल हो चुका है। तो कब हुआ है, कितना दिन लगा है सेटल होने में, तो यहाँ पर आपको अभी दिखाता है। इसके लिए हम चलेंगे ईपीएफ का जो पासबुक पोर्टल है पोर्टल पर, इसके लिए हम व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पासबुक पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पासबुक पोर्टल पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सेम यूएन नंबर से लॉगिन करेंगे। सो दोस्तों, हमने सेम यूएन नंबर से लॉगिन कर चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मेंबर आईडी को मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला व्यू पासबुक, व्यू क्लेम स्टेटस, व्यू पासबुक ओल्ड। तो हमें क्लेम स्टेटस देखना है तो यहाँ पर व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमारा क्लेम जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं क्लेम स्टेटस डिटेल्स, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 जुलाई 2022, हमने 26 तारीख को अप्लाई किया था और फील्ड ऑफिस में 27 जुलाई को गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप फॉर्म टाइप देख सकते हैं, फॉर्म नंबर 31, यहाँ पर आप देख सकते हैं पारा डिटेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक, आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत हमने एडवांस के लिए अप्लाई किया था, और यहाँ पर अमाउंट सेटल हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्पैच डेट, यहाँ पर देख सकते हैं 16 अगस्त, हमने 26 जुलाई को अप्लाई किया था एडवांस के लिए आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक के तहत, और यहाँ पर 16 अगस्त 2022 को हमारा क्लेम जो है सेटल्ड हुआ है। सो दोस्तों, तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं, और यहाँ पर रिमार्क्स में भी आप देख सकते हैं योर क्लेम आईडी हैज बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंट एनएफटी ऑन 16 अगस्त, और बैंक में सेंड होने के लिए 3 दिन टाइम लेता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने क्लेम किया था 26 जुलाई को और यहाँ पर सेटल हुआ है 16 अगस्त को, तो दोस्तों यानी 22 दिन लगा है क्लेम सेटल होने में, 2 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में, जो कि बैंक 3 दिन की टाइमिंग लेता है बैलेंस क्रेडिट करने में। तो दोस्तों, इस टाइम जो है 22 से 23 दिन लगा है क्लेम सेटल होने में। दोस्तों, क्यों लगा है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ तब पहले ईपीएफ पोर्टल पर अपडेट चल रहा था, KYC जो हिस्ट्री सेक्शन है सेक्शन को रिमूव कर दिया है। आप अप्लाई करते हो और इस टाइम पोर्टल पर कुछ मेंटेनेंस चलता है, कुछ चीज अपडेट होता है, तो आपका जो क्लेम है लेट से सेटल होगा। दोस्तों, इस केस में इसलिए ज्यादा टाइम लगा है, अप्लाई किया हूँ, अप्लाई करने के बाद पोर्टल पर अपडेट हो रहा था, मेंटेनेंस चल रहा था, जो कि स्क्रीनशॉट मैंने डिस्प्ले पर लगा दिया हूँ। इस मेंटेनेंस की वजह से क्लेम सेटल होने में टाइम लगा है। तो अभी अगर आप
क्लेम करोगे एडवांस के लिए आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक के तहत, तो दोस्तों मिनिमम जो है एक हफ्ता लगता है, एक हफ्ता से 10 दिन की टाइम लगता है क्लेम सेटल होने में। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाया हूँ कि आप अगर इस टाइम 2022 में आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक पारा को सिलेक्ट करके एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, कितना दिन में आपका क्लेम सेटल होता है और कितना दिन के बाद आपका पीएफ का बैलेंस आपकी खाता में क्रेडिट होता है या आपकी खाता में पीएफ का पैसा आपकी खाता में आ जाता है, सारे कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हूँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।